नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को कोरोना के 656 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4054 हो गई है। इनमें से सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आए हैं। वहीं भारत में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में JN.1 सब वेरिएंट के 63 मामले सामने आ चुके हैं। नए सब वेरिएंट JN.1 के मामले बढ़ने के कारण स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों पर खास निगरानी रखने की सलाह दी है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि अभी JN.1 सब वेरिएंट धीरे फैल रहा है, लेकिन इस संक्रमण के कारण हॉस्पिटल में एडमिट धीरे धीरे प्रभावी हो रहा है, लेकिन ये गंभीर संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने का कारण नहीं बन रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये बताने के लिए अभी पर्याप्त डाटा नहीं है कि ये नया सब वेरियंट JN.1 अधिक गंभीर है या फिर नहीं। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि नए सब वेरिएंट JN.1 के लक्षण क्या हैं, और कोई भी इंसान कैसे समझ सकता है कि उसे इन्फ्लुएंजा है या फिर वो JN.1 से संक्रमित हो चुका है। तो आइए नए सब वेरिएंट के लक्षणों के बारे में भी जान लेते हैं। यूके के डॉक्टर्स के मुताबिक पिछली सर्दियों में की गई रिसर्च में पाया गया है कि COVID-19 और सर्दी के दौरान होने वाली अन्य श्वसन बीमारियों के लक्षण एक समान थे। उन्होंने लिखा, खांसी, गले में खराश, छींक आना, थकान और सिरदर्द सबसे अधिक बताए गए लक्षणों में से एक है। सिर्फ लक्षणों के आधार पर SARS-CoV-2 इन्फ्लुएंजा और RSV के बीच अंतर बताना काफी मुश्किल है, इसलिए टेस्टिंग कराना सबसे अच्छा तरीका है।